भाविका शर्मा और शक्ति अरोड़ा स्टारर शो गुम है किसी के प्यार में अपनी दिलचस्प कहानी और ड्रामा से दर्शकों के दिलों को सफलतापूर्वक मोहित कर लिया है। ईशान, सवी और रीवा के बीच लव ट्रायंगल ने दर्शकों को उनकी टेलीविजन स्क्रीन से बांध दिया है। अपकमिंग एपिसोड में एक बड़ा ड्रामा सामने आता है जब अक्का साहेब अपना आपा खो देती हैं और सवी पर हाथ उठाती हैं। इतने अपमान के बाद क्या सवी अब भी ईशान के परिवार के साथ रहना चाहेगी या यह ईश्वी की प्रेम कहानी का अंत है? अपकमिंग एपिसोड में रीवा की मां एक कैफे में वेट्रेस के रूप में काम करने वाली सवी की सच्चाई को उजागर करती है। राव साहब रीवा की मां को झूठा करार देकर स्थिति को संभालने की कोशिश करती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सवी कंफर्म करती है कि रीवा की मॉम जो कह रही है वह सच है। बाद में पत्रकारों का एक समूह आता है और स्थिति को और अधिक कठिन बना देता है। वे सबसे पहले भोंसले परिवार से सवाल करते हैं कि उनकी बहू को एक कैफे में काम करने की जरूरत क्यों है, जबकि वे आसानी से उसकी शिक्षा का खर्च उठा सकते हैं। गुम है किसी के प्यार में के बीते एपिसोड में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सवी अपनी कॉलेज की फीस के लिए पैसे कमाने के लिए कैफे में वेट्रेस की नौकरी करती है। वह ईशान और उसके परिवार को इस बारे में छुपाती है। बता दें कि इस सीरियल को हमेशा से ही दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिला है। जब आयशा सिंह, नील भट्ट सई और विराट बनकर आए थे तभी दर्शकों को उनकी केमिस्ट्री काफी पसंद आई थी। टीवी और फिल्मों की दुनिया की और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और टॉपिक में। धन्यवाद।